छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी सभा के बैनर तले आगामी जून माह में माहेश्वरी विवाह योग्य युवती युवक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर समाज के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा की। दुर्ग में आगामी 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी सभा के बैनर तले और श्री माहेश्वरी पंचायत दुर्ग के आतिथ्य में जीवन साथी चयन 2024 का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें महेश्वरी समाज के विवाह योग्य युवक और युवतियों का परिचय सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से पूरे भारत वर्ष से प्रत्याशी शामिल होंगे। पंजीकृत जिसकी 5 अप्रैल रखी गई है अंतिम तिथि, जिसमें अब तक छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात और आदि प्रदेश से पंजीयन करवाए जा रहे हैं। और मनोज जी राठी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये कोषाध्यक्ष हैं। रामदेव टावरी हमारे सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। उसके बाद विठल दूधरा, ये इस मौके पर समाज के पदाधिकारी सुरेश कुंडरा, अशोक राठी, गजेंद्र चांडक ने बताया, कार्यक्रम का उद्देश्य विवाह संबंधों में आ रही जटिलताओं के कारण है। उस माह में जीवन साथी चयन कार्यक्रम को लेकर लगातार प्रयासरत थे। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन के माध्यम से सामाजिक व पारिवारिक वातावरण में समाज के युवक युवतियों का परिचय करवाकर उन्हें जीवन साथी चयन करने का अवसर प्रदान करना है। किसी भी परिवार में विवाह योग्य युवक या युवती होने पर उसके विवाह संबंध को जोड़ना परिवार के साथ साथ समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। विवाह संबंध तय करने में एक कड़ी का काम ये जीवन साथी चयन कार्यक्रम करेगा। साथ ही एक विशेष परिचय सत्र का आयोजन भी कराया जाएगा, जिसमें समाज में ऐसे भी अनेक प्रत्याशी हैं जो कि एक विशेष श्रेणी में आते हैं, जैसे कि विधवा, विधुर, तलाकशुदा या दिव्यांग। इस प्रकार के प्रत्याशियों को भी इस परिचय सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन हेतु आग्रह किया गया है तथा उनके लिए भी एक विशेष परिचय सत्र का आयोजन इस कार्यक्रम के माध्यम से जाएगा। आयोजन को लेकर समाज के द्वारा इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, सभी समाजों में वैवाहिक संबंधों में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि इसमें एक जो कम्युनिकेट करने की भूमिका निभाने वाले जो लोग थे वो अब नहीं बन पा रहे हैं। इसी तारतम्य में माहेश्वरी समाज ने यह प्रयास किया है कि हम समाज के बैनर तले इस आयोजन को कर रहे हैं और जो भी परिवारजन सहयोग चाहेंगे, माहेश्वरी समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, आदरणीय लोग हैं, वो इस पे अपने कम्युनिकेशन की भूमिका निभाएंगे और उनको मार्गदर्शित करेंगे, साथ ही उस रिश्ते को कंप्लीट करने में उनको पूरा सहयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी सभा और दुर्ग जिला माहेश्वरी पंचायत के आतिथ्य में यह जीवन साथी परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारी हमारी जो है 500 से लेकर 700 लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का टारगेट है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आए, हम पूरा हिंदुस्तान के मतलब भारत से सभी जगहों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी सभा पूरे छत्तीसगढ़ की एक संस्था है। ये सामाजिक संस्था है। इसके द्वारा परिचय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 1-2 जून के दुर्ग में किया जा रहा है। विगत वर्षों में भी हमने ये आयोजन किया था। समाज की समस्या को, जो विवाह संबंधी समस्या है, जो बढ़ती उम्र हो रही है और विवाह नहीं हो पा रहे हैं कई लोगों को, उस समस्या को निराकरण करने के लिए, उसमें कुछ सहयोग करने के लिए समाज अपनी तरफ से ये एक प्लेटफॉर्म देता है, जिसमें लड़के लड़कियां बायोडाटा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद विवाह संबंध एक दूसरे को देखने के बाद संबंध करने का प्रयास करते हैं। हमारे जो वरिष्ठ जन हैं समन्वयक की भूमिका निभाते हैं और संबंध कराने में वो आवश्यक कदम उठाते हैं। हमारे यहाँ नई पहल, पहले के दिनों में बायोडाटा का जो संग्रह वो फिजिकल रूप में होता था और फिर वो संग्रह करके हम बुक छापते समय कई गलतियाँ होती थी। इस बार हम एक ऐप बनवाए हैं और ऐप बनवा के ऑनलाइन बायोडाटा संग्रह कर रहे हैं। उस जैसा प्रत्याशी जिस तरीके का डाटा उसमें भर रहा है, जो डाटा भर रहा है वही सेम टू सेम हम बुक में डाटे को ट्रांसफ़र करेंगे और उसे पूरे बुक के रूप में सभी प्रत्याशियों को और उनके अभिभावकों को देंगे। और यहाँ पे हम उनके रुकने की व्यवस्था दुर्ग में किए हैं। जो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पूरे देश भर में कर रहे हैं, पर फिर भी हमको विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये 4-5 स्टेट जो नेबरिंग स्टेट हैं वहाँ से प्रत्याशियों के आने की संभावना है। उनके रुकने की, आवागमन की, खाने पीने की सभी व्यवस्था हम छत्तीसगढ़ प्रदेश माहेश्वरी सभा के माहेश्वरी पंचायत दुर्ग के आतिथ्य में कर रहे हैं।
और इसकी पूरी तैयारियां हमारी हो रही है। विभिन्न समितियों का गठन हो रहा है और उन समितियां अलग अलग समितियां अलग अलग कार्य कर रही है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।